वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तमाम रियलिटी शोज की टीआरपी रेटिंग। जी हाँ, टीआरपी लिस्ट आ गई है सामने। ऐसे में इंडियन आइडल सीजन 12, सुपर डांसर सीजन 4, डांस दीवाने सीजन 3, ये तीन रियलिटी शोज फिलहाल बैक टू बैक चल रहे हैं। अब इसमें टीआरपी लिस्ट के अकॉर्डिंगली इनके कौन से पोजिशन हैं, ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि टीआरपी लिस्ट देखने के लिए फैंस हमेशा से एक्साइटेड होते हैं। आखिरकार उन्हें भी जानना होता है कि क्या उनका सबसे पसंदीदा शो की टीआरपी हाई है या नहीं। ऐसे में अगर बात करते हैं रियलिटी शोज की, तो तीन रियलिटी शोज बैक टू बैक चल रहे हैं, इंडियन आइडल सीजन 12, डांस दीवाने सीजन 3 और सुपर डांसर सीजन 4। अब ऐसे में आखिरकार कौन सा रियलिटी शो किस पायदान पर है? अगर बात करें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन पर इन तीनों रियलिटी शोज में से आगे बढ़ चढ़कर चल रहा है सुपर डांसर सीजन 4, जिसके पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन पर है। जी हाँ, थर्ड पोजीशन पर सुपर डांसर सीजन 4 ने अपनी जगह बना रखी है। सेकंड पोजीशन पर है आप सभी का पसंदीदा टीवी शो गुम है किसी के प्यार में। फर्स्ट पर है वन एंड ओनली अनुपमा टीवी शो। वहीं अगर बात कर रहे हैं हम इंडियन आइडल सीजन 12 की, तो इंडियन आइडल सीजन 12 पर फिलहाल आपको बता दूं कि फिफ्थ पोजीशन पर अपनी जगह बना पाया है। और अगर बात करें डांस दीवाने सीजन 3 की, तो 12वें पोजीशन पर है डांस दीवाने सीजन 3। तो इस तरीके से ये है टॉप रियलिटी शोज की टीआरपी लिस्ट। सबसे ऊपर पर है सुपर डांसर 4, उसके बाद इंडियन आइडल और उसके बाद है डांस दीवाने 3। तो इस तरीके से ये है टीआरपी लिस्ट। आपकी क्या है राय, आपका सबसे पसंदीदा रियलिटी शो कौन सा है इन तीनों में से, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तमाम बॉलीवुड टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखती रहिए हमारा चैनल।